अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنه। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने कहा ए अबू सईद, सहाबी है, कहा ए अबू सईद, जो भी इंसान इस बात पर राज़ी हो गया कि अल्लाह उसका रब है, इस्लाम उसका दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, इन तीन बातों पर वो दिल से राज़ी हो गया, उसके लिए जन्नत लाजिम हो गई, वो जाएगा ही जन्नत में। शर्त क्या है? राज़ी होना कि मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? बाबा नहीं, बाबा नहीं कि दरगाह पे जाके वहाँ से मुझको रिस्क मिलता है, वहाँ से मुझको शिफा मिलती है, वहाँ से मेरे कोर्ट के केस हल होते, वहाँ से मेरी बेटी को रिश्ता मिलता, वहाँ से मेरी बीमारी की शिफा मिलती, नहीं। मेरा रब कौन है? अल्लाह है। मेरे मसाइल का हल करने वाला, मेरे रिस्क का मालिक, मेरे बीमारी की शिफा का देने वाला वो है। जो इस बात पर राज़ी हो, दिल में कोई खटक ना हो, कभी इधर कभी उधर नहीं, एकदम स्टेबल हो दिल, दिल मुतमईन हो, राज़ी रहे, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, मैंने उसको अपना रब बनाया, मैं उसी से दुआ करता हूँ क्योंकि वही देने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राजिक है, वो अपना मालिक रब अल्लाह को मानता है, राज़ी है उससे, नाराज़ नहीं है, इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हो जाए। ये अहकाम, पाँच वक्की नमाजें, ये फलां चीज़, ये फलां चीज़, ये हराम, ये हलाल, इस्लाम की जितनी भी हदें हैं, तालीमात हैं, शरीयत के अहकाम हैं, राज़ी रहे, राज़ी रहे उससे, हाँ हमारा दीन इस्लाम है भाई, यहाँ वहाँ ताक झाँक ना करे, क्रिश्चियन लोगों में बहुत भारी है ना, हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, उनके यहाँ कितना अच्छा है, क्या अच्छा है उनके यहाँ, तो इस्लाम पे राज़ी नहीं है, फलां के यहाँ कितना अच्छा है, कुछ भी नहीं है, जो भी चाहो कर सकते, हाँ बाद लोग बोलते हैं ना, उनके यहाँ कैसा है, शादी के पहले घूमते हैं एक दूसरे के साथ में, फलां ऐसा कर सकते, ये भी खा सकते, शराब भी पी सकते, म्यूज़िक भी चलती है उनके यहाँ पर, अपने म्यूज़िक नहीं है, एक कवाली थी उसको भी बंद कर दे मौल साहब का कवाली भी बंद, क्या करना अभी, तो बाज़ औक़ात आदमी बाहर देखता है उनके यहाँ कितना अच्छा है ना, मोमिन ऐसा नहीं होता है, मोमिन इस्लाम पर राज़ी रहता है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जो शरीयत दी, बहुत अच्छा, ये नहीं बोलता उनके खाली संडे को जाना पड़ता, आपने को देखो पाँच टाइम दिन में हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो मस्जिद के अंदर पाँच टाइम, हफ्ते में एक बार कितना चल, सो सुबह से लेकर शाम तक जो करना है करो, कुछ रुकावट नहीं, उनके यहाँ कितना अच्छा है, नहीं, मोमिन ऐसा नहीं बोलता है, बोलता अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमको इस बात की इजाज़त दी, अगर अल्लाह मना कर देता तुम इस लायक नहीं मेरी इबादत करने के, तो हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ की चीज़ नहीं होती कोई। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून इत्मीनान नसीब होता है, आदमी आता मस्जिद में अल्लाह पर खड़ा होता, अल्लाह के झुकता, उसको सुकून महसूस होता अंदर से, तो मोमिन राजी इस्लाम से, और वह भी मोहम्मद नबिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया कि मेरे आइडियल कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बात करना, आपका खाना पीना, चलना बैठना, सोना जागना, आपकी हर चीज मेरे नबी ये, इनके पीछे मैं चलता, मेरे आइडियल ये हैं, मेरे लिए उसवा ये हैं, मैं फिल्म स्टार को देख के नहीं चलता, मैं स्पोर्ट्समैन को देख के नहीं चलता कि वो ऐसा कंघी किया तो मैं भी वैसा कंघी किया, वो ऐसा पहना तो मैं भी, वो ऊंचा पजामा पहना तो मैं भी वैसा, दाढ़ी ऐसी फ्रेंच रखा तो मैं भी वैसी, मैं उसको देख के नहीं चलता, मैं उससे ज़िंदगी का तरीक़ा नहीं लेता, कैसा जीना उसको देख के मैं नहीं लेता, मैं किसको देख के लेता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं बाप दादा को देख के, समाज को देख के अपनी ज़िंदगी के लिए उसवा नहीं लेता, इतने सारे लोग कर रहे हैं ना, अपने को भी करना पड़ेगा, शादी में ढोल बजाना पड़ेगा, रज्जगा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोगों को देख के नहीं चलता मैं हमारे नबी को देख के चलता, मेरे लिए आइडियल और दलील कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप दादा नहीं है, समाज नहीं है, फलां इब्ने फलां नहीं है, मेरे लिए नमूना कौन है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं राज़ी, मोमिन ऐसा रहता है, मैं राज़ी, फिर शक नहीं करता, ऐसा कहीं को करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ऐसा कितने निकाह क्यों किए? हाँ, कहीं ना कहीं फिर सुराख दिल में है। इल्म की कमी ईमान की खराबी पैदा करती है, इल्म की कमी, इल्म का बिगाड़ ईमान का बिगाड़ पैदा करता है। एक तो कभी देखता नहीं, पढ़ता नहीं, सीखता नहीं, सोचता नहीं, और फिर उसको दूसरे रास्ते से चीज़ें मिलती, मीडिया के रास्ते से कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि दुनिया का पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, साइंस पढ़ा, ये पढ़ा, वो हिस्ट्री पढ़ा, दीन नहीं पढ़ा। तो ऐसा पढ़ा पढ़ा पढ़ा, हाँ, ऐसा आदमी पांव फिसल के गिर पड़ा। दीन का इल्म ज़रूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंसान थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल में खटक नहीं हो, सही थे कि गलत थे, नऊज़ बिल्लाह। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के दिमाग ऐसा चलने लगता, वो आम इंसानों की तरह रसूल को भी ट्रीट करने लगता, नहीं नहीं पर ये ठीक नहीं किए। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं चलता। जिसको अल्लाह की तरफ से उस्वा और नमूना बनाया गया और सारी इंसानियत के लिए, तो उसके बारे में सोचेगा, फैसला करेगा कि सही कि गलत है? नहीं, तेरा ईमान ही सलामत नहीं रहा, तो वो राजी रहता है, हमारे नबी ने किए ना, खलास। अब वो सिद्दीक रदी अल्लाह तुम को देखिए, मुशरिकीन ने आके कहा, एक आदमी एक रात में जा सकता क्या मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक? जा सकता? नहीं। एक आदमी ऐसा बोलता हो तो? नहीं हो सकता ऐसा। हाँ देखो, तुम्हारे साथी है ना, तुम्हारी जोड़ी वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं अभी ऐसा। क्या बोल रहे हैं? बोले एक रात में वो खुद मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। अब बोलो, नहीं हो सकता ना? बोले ना तुम, देखो तुम्हारे साथी में वो बोले क्या? वो बोले तो सही, अगर वो बोले हैं तो बिल्कुल सही है। ये नहीं कहा अरे ऐसे कैसे बोल दिए। हाँ, क्योंकि आदमी बाज़ औक़ात अपनी राय से इन्हराफ नहीं कर पाता है। मैं बोल दिया एक बार ऐसा नहीं हो सकता, तो अब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले हो सकता, तो अब मैं अपनी गाड़ी पीछे ले सकता? नहीं। बाद लोगों का मामला ऐसा रहता है कि वो एक बात बोल देते हैं, लड़ते, मुनाजरा करते, सब कुछ करते, उसके बाद एक हदीस सामने आती, अरे ऐसा भी है क्या? बोले नहीं नहीं हदीस सही नहीं लग रही मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं इसके खिलाफ बोल चुका हूँ, ये बीमार है, इसको हदीस सही के गलत देखना नहीं है, उसको उसका ईमान सही के नहीं देखना है। वो हदीस को ज़ईफ करने के लिए क्या करता है? कोशिश करता है। क्यों? ताकि उसकी बात न गिरे, वो राजी रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। हमारे नबी ने बोले तो सही है, हमारे नबी ने किए तो सही है, चाहे हमारी समझ में आए या नहीं आए, एक बार नबी मान लिया उसके बाद सही है। हाँ, पहले अगर कोई तहकीक कर रहा तो हम उसको मना भी नहीं करते, भाई नहीं तुम्हारे नबी ने ऐसा कैसा करे, आओ बैठो बात करो, डिस्कस करते हैं सही है कि गलत है, हम बता दें तुमको। लेकिन जो आदमी ईमान कबूल कर लिया उसके बाद शक करे, ये सही नहीं है। जो बाहर वाला है उसको हक है पूछने का, लेकिन जो ईमान वाला है उसने तो मान लिया ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस्वा बनाए गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहनुमाई में चलते थे, और कोई नबी इन्हराफ नहीं कर सकता है कभी अल्लाह की शरीयत से। जब वो ये मान चुका है तो उसके बाद उसको हक नहीं पहुंचता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात कहे, आपके बारे में शक करे। मोमिन ऐसा होता है, शक नहीं करता, वो राजी रहता है, अल्लाह रब है राजी, इस्लाम दीन है राजी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और उस्वा है राजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी ऐसा हो जिसका दिल राजी हो इन तीन बातों पर, वजबत लहुल जन्नत, जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई, यानी डेफिनेटली वो जन्नत में जाएगा।